हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूटन स्टडी वन में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके उस पर नोटिफिकेशन के लिए ऑल क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए आपको आई और आयु संबंधी प्रश्न कराने हैं, वो भी आपको बहुत आसान शब्दों में। आप कभी भी किसी तरीके से पढ़े होंगे, इसको पढ़ने के बाद सारे तरीका लगाएंगे तभी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, लेकिन सबसे जल्दी हमारे तरीके से आएगा, इसलिए आपको बताने वाले हैं। चलिए देर न करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन पर सीता और गीता के आयु का अनुपात 5:4 है, 3 वर्ष बाद यह अनुपात 11:9 हो जाता है, तब गीता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ये देखिए सीता है, ये गीता है, 5:4 दिया है, ठीक। ये 5x मान लीजिए या 5 कुछ भी मान सकते हैं, ये 4x मान लीजिए, ठीक। तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद यह अनुपात 11/9 हो जाता है, यानी 11:9 हो जाता है। तो 5x/4x, अब 3 वर्ष इसमें भी जुड़ेगा, 3 वर्ष इसमें भी जुड़ेगा, ठीक। 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो 3 वर्ष गीता भी बढ़ेगी तो 3 वर्ष सीता भी बढ़ेगी, ठीक। उसको बढ़ने के बाद कह रहा है कि 11:9 अनुपात हो जा रहा है। तो कह रहा है कि गीता की वर्तमान आयु ज्ञात कर रहे हैं, गीता की जो वर्तमान आयु हमको है याद करना है। तो देखिए गीता की किसी का वर्तमान आयु इतना ही होगा, इसका इतना होगा, इसका इतना होगा, तब बढ़ने के बाद ये 4 वर्ष जो है अनुपात दिया है 5:4, 3 वर्ष बाद इतना हो जाता है। तो 3 वर्ष बाद तो ये बढ़ के हुआ है ना, तो ये 3 वर्ष बाद हम छोड़ देंगे बाद में जब पूछेगा। तो चलिए आपको देर में करते हो, पहले इसका सोल्यूशन निकालते हैं। एक्स का मान निकल जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा तुरंत इतना इतना। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 6 तो क्या हो जाएगा 45x प्लस 37 इज इक्वल टू हो जाएगा 11:44x प्लस 11:33, ठीक। यहाँ पे एक्स हो जाएगा इक्वल टू ये 6 हो जाएगा, एक्स का मान जो हमारा 6 आ गया। तो आपको क्या करना है, जब सीता की आयु पूछे तो सीता की हो जाएगी 5x, यानी 5×6=30 वर्ष की सीता हो जाएगी। और ये देखिए गीता की जब पूछे तो 4×6=24 कितना हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है, तो आपको सिद्ध करके भी दिखा रहा है। देखिए वर्तमान हमारा है 31 है और 24 है, ठीक। अब 3 वर्ष बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, और इसको काटने के बाद अगर आपका 11:9 आ जाता है तो आपका आंसर सही है, नहीं आता है तो आपका आंसर गलत है। यहाँ पर हो जाएगा 33/24×27, ठीक। अब इसको काटिएगा 3 से, तो 3×11 हो जाएगा 3×27, तो आपका राइट आंसर है। देखिए एक्स का मान 6 रखने पर इसका वर्तमान आयु 30 वर्ष हो जाएगा, गीता की सीता की 30 वर्ष और गीता की 24 वर्ष, ठीक। अब दोनों का मान पुट करने के बाद हमारा तीन वर्ष बाद जो है अनुपात हमारा 11:9 था, तो 3 3 जोड़ दिए तीनों में दोनों में, तो हमारा काटने के बाद 11:9 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा सोल्यूशन बिल्कुल 100% सही है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि PMQ की वर्तमान आयु 5:6 है, 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है, तो P की वर्तमान आयु ज्ञात करना। देखिए P है एक, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, और एक Q है, इनकी वर्तमान आयु जो है 5:6 है, ये 5x6 है, ठीक। 7 वर्ष बाद इनके अनुपात इतना हो जाता है, तो इसी यहाँ पे मान लीजिए ये प्रेजेंट वाला है, तो यहाँ वर्तमान लिख लीजिए और 7 वर्ष बाद यहाँ लिख लीजिए कितना हो जाता है, 7 वर्ष बाद 6:7 हो जाता है, ठीक। अब देखिए तो 7 वर्ष बाद के लिए यहाँ से यहाँ तक 7 बढ़ेगा इसमें भी, यहाँ से यहाँ तक 7 बढ़ेगा इसमें भी, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पिछले सवाल जैसा करना है, 5x/6x और +7 इसमें भी हो जाएगा और +7 इसमें भी हो जाएगा, दोनों बढ़ने के बाद कितना हो जा रहा है, 6:7 हो जा रहा है, यानी ये जो दिया अनुपात है उसी को अब इसको त्रिक मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए x का, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7×5=35x+7×49 हो जाएगा इक्वल टू 6×36x+6×42 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 42×7=49 होता है, तो x का मान आपका 7 आ गया। आपसे पूछे वर्तमान आयु तो कितना करेंगे, P का वर्तमान आयु करेंगे तो 5×7=35 और Q का वर्तमान आयु रहेगा तो 6×7=42, ठीक। आपका वर्तमान आयु इतना इतना दिया था तो इतना हो गया। अब 7 वर्ष बाद
पी की वर्तमान आय पूछा है तो पी की वर्तमान आय पूछा है तो हमको पता है पी का वर्तमान आय 35 वर्ष, ठीक। क्यू का पूछेगा तो 42 वर्ष हो जाएगा, यही पूछा था आपसे, इसमें कुछ नहीं पूछा था, बाकी आप फाइंड कर लेंगे सब कुछ, आप इसी तरह निकलने के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 6:5 था, 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 6 वर्ष पूर्व अनुपात दिया है 6:5, किसका किसका अनुपात है ए एवं बी की, तो ए हो गया ये बी हो गया, ठीक। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:10 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है, ये 6 वर्ष पूर्व की है, अब 4 वर्ष बाद कर रहा है, 6 वर्ष पूर्व से हम पहले वर्तमान में आएंगे, मान लीजिए माइनस में 6 गए हैं या -6 है, यहाँ से आएंगे पहले 0 पे फिर प्लस से आ रहे हैं, 4 वर्ष बाद कर रहा है तो यहाँ 4 पे आने आते हैं, ये -6 और +4, तो बीच का जो डिफरेंट है हमारा 10 वर्ष है, अतः इसमें 10 जुड़ जाएगा, ठीक। यहाँ पे 10 जुड़ जाएगा, यहाँ पे 10 जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 6 वर्ष पहले से लेकर गया 4 वर्ष बाद तक जाने के बीच का हमारा जो डिफरेंट है, प्रत्येक में 10 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, यही बात आपको समझना है, ये बात आप समझ गए तो आपका सलूशन हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेंगे कि 6:5 था, 6x और 5x हो गया, ठीक, और 4 वर्ष बाद का अनुपात जो दिया है हमारा, दिया है 11:10, 4 वर्ष बाद 6 वर्ष पहले से लेकर के 4 वर्ष बाद आते आते हमारा बीच का जो डिफरेंट है 10 वर्ष बढ़ रहा है, इसमें भी +10 हो जाएगा, इसमें भी +10 हो जाएगा, ठीक। तो इसको क्या करेंगे हम, 6x+10 इसमें भी बढ़ेगा ना, इसमें बढ़ेगा, बाटा 5x+10 इसमें भी बढ़ेगा, ठीक। इतना बढ़ने के बाद आ रहा है कि रेशियो हमारा जो है, रेशियो कितना हो जा रहा है, 11:10 हो जाता है, अब 11:10 हो जाता है, हमारा मान फाइंड होने के बाद पूरा 11:10 आ जाएगा तो हम समझेंगे कि सही आया है, नहीं तो गलत आया, और इसको हम यहाँ से x का मान फाइंड करेंगे और उसके बाद आपका सलूशन हो जाएगा, तो 6 60x हो जाएगा +100 हो जाएगा = 55x हो जाएगा +110 हो जाएगा, यहाँ से 5x = हो जाएगा 10, ठीक, यहाँ से जा घट जाएगा तो x = आपका 2 आ जाएगा, x का मान हमारा 2 आ गया। तो देखिए 6 वर्ष पूर्व का अनुपात पूछेगा हमारा, 6 वर्ष पूर्व का अनुपात 6:12:10 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए और वर्तमान का पूछेगा हमसे तो क्या करेंगे, इसमें वर्तमान में आने के लिए 6 वर्ष पूर्व का पूछा था तो 12 था, इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 6 18 ये 16 हो जाएगा, इसको काटेंगे फिर इसमें 9:8 आ जाएगा। अब देखिए आपसे क्या पूछा वो निकाल रहा है, इसमें पूछ रहा है कि बी की वर्तमान आयु क्या है, तो बी की वर्तमान आयु हमसे पूछा है, तो बी की वर्तमान आयु जो होगी बी वाली यहाँ पे आएगी 6 वर्ष जोड़ने के बाद, इसमें बी की वर्तमान आयु हमारे 10 में से 6 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर 16 हो जाएगा। अब आपको देखिए आपको पता करना है कि सही हम किए हैं कि गलत किए हैं, तो आपको यहाँ पे मान प्रूव करेंगे, अगर 11:10 आ जाता है तो ये वाला मान 11:10 आ जाता है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी अनुपात 11:10 हो जाता है, तो 4 वर्ष बाद यानी यहाँ से यहाँ तक 10 जोड़ने के बाद यानी 12:10 यहाँ पर अनुपात ज्ञात करने के लिए 4 वर्ष बाद 12 वर्ष था पहली वाली का, ए वाला का 12 था, तो उसमें भी 10 जोड़ेंगे 4 वर्ष बाद जाने के लिए, 4 वर्ष बाद जाने के लिए 6 वर्ष पहले से 4 वर्ष बाद जाने के लिए 10 का डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे 10, तो इसमें भी जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी जोड़ेंगे कि बी वाला है उसमें भी जोड़ेंगे तो 10+10 = हमारा कितना हो जाएगा 22:20 हो जा रहा है, इसको काटने के बाद हमारा 11:10 आंसर आ जाएगा, 10 आ रहा है, तो यही अनुपात हमको दिया था कि 11:10 है तो हमारा आंसर सही होगा, इतना आ जाएगा, अतः इतना आ रहा है 11:10 तो हमारा आंसर सही है। आपको एक बार पुनः बता देते हैं, समझा देते हैं, देखिए इसमें कुछ करना नहीं था, करना क्या था, 6 वर्ष पूर्व बोला था तो 6x 5x, 6 वर्ष पूर्व अनुपात दिया था 6x, ठीक। अब देखिए 6 वर्ष पूर्व से 4 वर्ष बाद जाना है तो 6 वर्ष पूर्व से आप पहले वर्तमान पे आएंगे तो 6 वर्ष हो जाएगा यहाँ तक, अब 4 वर्ष बाद जाएंगे तो 4 वर्ष ही जुड़ जाएगा, 10 वर्ष टोटल हो जाएगा तो 10 ही हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा, दोनों में 10 वर्ष जुड़ जाएगा, तो देखिए 6x+10 ये 5x+10 अपन रेशियो इसका जो दे रहा था 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद यहाँ तक आने के बाद 11:10 क्वेश्चन में बोला है, इसका यहाँ एक्स मान फाइंड कर लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की 6 वर्ष पूर्व यहाँ पे आएगी, बी की 6 वर्ष पूर्व यहाँ पे आएगी। अब यहाँ से जब हम 6 वर्ष पूर्व पता कर लिए
तो यहाँ वर्तमान माने के 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे ये जो है हमारा 18 जो होगा ए की वर्तमान आय हो जाएगी और 16 जो होगा बी की वर्तमान आय होगी। हमसे बी की वर्तमान आय पूछा था तो 16 हो गया आंसर। आपको सिद्ध करने के लिए बताया है मान पुट करके कि 12 में 10 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएंगे तो 22 हो जाएगा और 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो इसका रेशियो 11 से 10 आ जाएगा तो आपका आंसर सही है अन्यथा गलत है। ये आपका आंसर सही है। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा सभी आपके फ्रेंड्स को फायदा हो। धन्यवाद।